जो भाई से लड़ रहा हो, जो खोकर के समाज में न चल पा रहा हो, वो कभी सम्मान का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए भाईचारा सीखना हो तो रामायण सिखाती है। महाराज दशरथ निषाद, वो महाराज भगवान श्री राम निषाद राज को गले लगा रहे हैं, माता शबरी के बेर खा रहे हैं और पता लगा कि समस्त वानरों को साथ लेकर के रावण से युद्ध कर रहे हैं और भाइयों से इतना प्रेम है कि भाइयों को कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, इसलिए राम पूज्य है। और अगर राम का नाम लेकर के भी हम अपने घरों में भाईचारा ना बना पाए तो बताओ फिर कैसी पूजा। राम ने तजा था राज पिता के कथन काज, तुम मात तात बात धूल में मिलाते हो। राम ने निषाद आदि भीलों को लगाया गले, तुम कह पतित पैरों से ठुकराते हो। राम ने किया था सती सीता हित घोर युद्ध, तुम लाल ललना लुटेरों से लुटाते हो। आज एक भी काम धाम राम से प्रकाश नहीं, तो किस विरले भक्त राम के कहते हो। अगर हमारा एक भी कार्य राम जैसा नहीं है तो हमें राम जी के भक्त कहलाने का भी कोई अधिकार? जोर से बोलो। हाँ, ये बात अलग है। आपका अगर कार्य है तो घर अलग बना लो, कोई बात नहीं। आप अपनी संपत्ति भी अलग कर लो, कोई बात नहीं। आप अपना भोजन अलग बना लीजिए, कोई बात नहीं। परिस्थिति के अनुसार सब चीजें करनी पड़ती है, है ना? आप मकान अलग बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जमीन अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। भोजन अलग बना लो, लेकिन ये जो दिलों में दरार है ना, ये नहीं होनी चाहिए। आपके घर में दीवार आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर दिलों में दरार आनी नहीं चाहिए। वो एकता बना करके रखो। और जब भाई के साथ प्रेम से रहोगे तो तुम्हें बाहर भी भाईचारा निभाना आएगा। और जब तुम अपने का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम समाज में भी किसी का सम्मान नहीं कर सकते। आज ये समस्या है कि ये भाईचारे का पाठ हमें सिखों से, मुसलमानों से सीखना पड़ रहा। उनमें देखो जाके कितनी एकता। अगर कोई सांसद होगा मुसलमान तो वो रिक्शा चलाने वाले को भी क्या कहेगा? ये तो अपना ही भाईजान है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ए जी, तुम्हारे उत्तर प्रदेश में मर गया एक गुंडा और हैदराबाद की धरती पर ओवैसी अपनी छाती कूट रहा है। क्यों? वो उसे अपना भाई मानता था। आप विचार करना। और हम राम जी के वंशज, हम कृष्ण जी के वंशज, आज हम अपना भाईचारा नहीं बना पा रहे हैं। एकता के सूत्र में बंध करके चलो, एक होकर के चलो। और अगर तुम सोचो कि इसकी जड़ कट जाए और मेरी बच जाएगी, ध्यान रखना, अगर पड़ोसी की जड़ कटी है तो आरी तो किसी न किसी दिन तुम तक भी पहुंचेगी। अगर आज उसके घर मकान पर विपत्ति है तो वो तुम तक भी पहुंचेगी। और तुम्हारी इसी मूर्खता का फायदा दूसरे लोगों ने साफ साफ उठाया है। इसलिए तुम्हारे ऊपर चीजें बन गई डिवाइड एंड रूल कि ये हिंदू जाति तो इतनी मूर्ख है, इसमें फूट डालो राज्य करो, फूट डालो राज्य करो। है जी, दूसरे अगर एक हो सकते तो क्या हम एक नहीं हो सकते? बोलो, हो सकते कि नहीं हो सकते? अरे तुम राम के नाम पर एक हो जाओ, तुम कृष्ण के नाम पर एक हो जाओ, तुम भगवान शिव के नाम पर एक हो जाओ। एकता के सूत्र में बंध करके चलोगे तो ताकत ज्यादा होगी। और जिसकी ताकत होती है ना लोगों, बात भी उसी की मानी जाती है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसका डंडा ऊंचा है उसका झंडा भी ऊंचा है। और जिनके डंडे कमजोर है उनके झंडे भी कभी मजबूत होने वाले नहीं। अपने आप को मजबूत करो। आज बहुत आवश्यकता इस मजबूती की। एक सूत्र में बंद करके चलो, अपनी संस्कृति से, अपने सिद्धांतों से प्रेम करो। अरे जैसा प्रेम राम जी करते थे, जिस समय रावण का वध कर दिया और पता लगा चलने की तैयारी हो चली, विभीषण का राज्याभिषेक शेष है, तो सुमेरु पर्वत पर बैठे हैं और लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे हैं, भैया ये लंका नगरी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर। एक काम करते हैं, अयोध्या को तो भरत संभाल ही रहा है और हम इस लंका नगरी पर अपना शासन कर लेते, क्योंकि नियम तो यही है, जिसने जिस देश के राजा को मारा उसकी संपत्ति पर अधिकार भी उसी का होता है, तो हम इस पर ही शासन कर लेते हैं। तो राम जी क्या कहते हैं?
सुनो लक्ष्मण, मुझे नहीं पता ये बात तुमने क्यों कही। अच्छा मुझे ऐसा लगता है लक्ष्मण जी को प्रॉपर्टी डीलिंग का अच्छा खासा अनुभव था, हैं? इसीलिए तो वहां अपना झंडा गाड़ रहे हैं लक्ष्मण जी कि अयोध्या तो हमारी है, ये भी अपनी बना लेते। पर राम जी क्या कहते, सुनो लक्ष्मण, भले ये लंका सोने की है पर मैं नहीं लूंगा। क्यों? कि अपि स्वर्णमयी लंका नमेन लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, निश्चित ये लंका सोने की है, बड़ी सुंदर है, पर मेरे लिए रुचिकर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपनी जननी होती है और जन्म भूमि होती है वो लक्ष्मण स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। इतना प्रेम राम जी करते थे, इसलिए क्या कहते हैं कि सुनो जामवंत बजरंग बलि। आइए अंतिम पंक्तियां, कि सुनो जामवंत बजरंग बलि, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवध नगरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवध नगरी। सुनो जामवंत बजरंग बलि, सुनो जामवंत बजरंग बलि, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवध नगरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवध नगरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवध नगरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवध नगरी। यहां भानु कुल कमल दीवार दिखावत नगर मनोवर, कपिन दिखावत नगर मनोवर, कपिन दिखावत नगर मनोवर, सुन कपीश अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर ये है वेशा, पावनपुरी रुचिर ये वेशा, पावनपुरी रुचिर ये वेशा। ओ सुनो जामवंत बजरंग बलि, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवध नगरी, मुझे बोलो प्यारी है अवध नगरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी सब वे कुंट बसाना, वेद पुराण विविध जग जाना, वेद पुराण विविध जग जाना, वेद पुराण विविध जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को यह प्रसंग जाने को, यह प्रसंग जाने को, यह प्रसंग जाने को। ओ सुनो प्यारी है अवध नगरी। आए गए
सजवा तो द्वार द्वार आए गए रघुनंदन सजवा तो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो रे बंधनवा स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो रे बंधनवा स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। ओ मेरी माताओं बंधुओं जो पता लगा ईश्वर से प्रेम करता है परिवार से प्रेम करता है अपनी जननी से प्रेम करता है वो अपनी जन्मभूमि से भी उतना ही प्रेम करता है। तो जो वेद माता ने कहा कि एक होकर के चलो एक सूत्र में बंध करके चलो अपने भाई भाईचारे को अपने संगठन को मजबूत बनाओ ये जो तुम्हारे भाई तुमसे अलग जा रहे हैं इस पर ध्यान दो नहीं तो एक दिन घटते घटते ऐसे घटोगे कि पूरा होने के लिए फिर विचार नहीं मिलेंगे। ये कुछ बातें मैंने चार दिनों तक आपके मध्य में रखी और आप सभी ने बड़े दचित मनोभाव से सुना।